सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। हिंदुस्तान से बहुत बड़ा जादूगर शोभदाबाज आया राजा जी और आके मुतवक्किल के दरबार में उसने बड़े शोभदे दिखाए। वो कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच। हेलो इमाम ने कहा यार हम तुम्हें तब मानेंगे बड़ा तुम्हें इनाम और इकराम देंगे अगर तुम इमाम नकी अलैहि सलाम जो है ना इनको किसी तरह तुम शर्मिंदा कर दो। कोई बात नहीं उसे कहा लाई जी असी कहना ले लो जेड़ा जेड़ा आंदा जे आ जाओ ला के बिठा के उसने कहा कि रोटी के टुकड़े करके मुख्तलिफ दस्तरखान पे रख दे और इमाम साहब से कहें जी रात तलावत फरमाएं। जब इमाम पाक हाथ आगे करते तो रोटी का टुकड़ा दूर हो जाता। वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये वो करतब दिखा रहा था इमाम साहब ने दो तीन दफा देखा फिर आपने कहा अच्छा ए सर किधरे भी नहीं मतलब ए तुहानू एवी कहानियां कराईयां ने तुम तो अपनी इस खबासत से बाज नहीं आते फिर हम तुम्हें दिखाते हैं अल्लाह ने हमें क्या कुव्वत अता की। चलो शेर बना हुआ था कारपेट जिसमें बैठे हुए थे शेर बना हुआ था। अच्छा आपने कहा शेर उठो और इसका काम तमाम कर दो। वो क्या मामा की उम्र मान लगा मरो। वो शेर बिल्कुल असली हालत में वो कारपेट से उठता है बिल्कुल शेर बन जाता है और उस शोभदाबाज जादूगर को उसी वक्त खा जाता है। इंजीनियरिंग है। अब आज के दौर में कोई बंदा उठे और वो कहे कि जनाब ये कैसे कैसे कहानियां बन गए ये कैसे मुमकिन हो सकता है तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं ना बस कहानियां ने करा के रखो। कोई बंदा है वो बढ़ई का काम करता है कोई जो है वो राजगिरी का काम करता है कोई जो है प्लम्बर का काम करता है साले तू मैं गंदा आदमी हूं मैं तो उनको मौजजात और करामात समझ नहीं आ सकते। कुरान को अगर पढ़ लिया होता कि किस तरह फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असाई मूसी फेंका था और किस तरह वो सांप जो बने हुए थे रस्सियां वो किस तरह खा गया था तो फिर तो समझ आ। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। इंटरनेशनल मीडिया को हम बुलाते हैं बीबीसी को सीएनएन को जियो को एआरवाई को दुनिया टीवी वालों को बुलाते हैं आप पब्लिकली करें और सारों को अपना मुरीद कर लें लेकिन वो पब्लिक आपकी नहीं होनी चाहिए जिस तरह वो डेविड कॉपरफील्ड और क्रिस एंजल्स लेके बैठा हुआ होता है। न्यूट्रल पब्लिक हो लग पता जाएगा ए कोड़ा ते मैदान यार ए केड़ी शै आ गई है।